एमएलए कोर्ट के बाहर गैलरी में नासिर सुल्तान वकील और उनके साथियों ने मुझे गंदी गंदी गालियां दी हैं और धमकाकर कहा है कि यहां से भाग जा। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर गवाहों को धमकाने के मामले में रामपुर के दो अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद अब उनके वकील पर भी गवाह को धमकाने का केस दर्ज हुआ है। वकील के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होने के बाद रामपुर के वकीलों ने धरना प्रदर्शन किया। इस पर एसपी ने जब जांच का आश्वासन दिया तब वकीलों ने धरना स्थगित किया। आजम खान के वकील नासिर सुल्तान ने यूपी तक से बातचीत में क्या कुछ बताया, जरा ये भी सुन लीजिए। पूरी न होने की वजह से अगली तारीख के लिए स्थगित की गई। कल मुझे कुछ साथियों से पता चला कि आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई है। बाद में एक पत्रकार साथी ने बताया और एफआईआर की कॉपी मुझे भेजी, तब मुझे पूरी जानकारी हुई कि जो उस मुकदमे का वादी है अबरार, उसका भाई है इकरार, उसने ये कहते हुए एफआईआर दर्ज कराई है कि एमपी एमएलए कोर्ट के बाहर गैलरी में नासिर सुल्तान वकील और उनके साथियों ने मुझे गंदी गंदी गालियां दी हैं और धमकाकर कहा कि यहां से भाग जा। ये एफआईआर की मुझे जानकारी हुई। आज वकील सारे बैठे थे धरने पर, क्या पूरा आज कप्तान से मिले, क्या हुआ? कप्तान साहब से हम अपने बार के माननीय अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में सारे वकील इकट्ठा हुए थे, धरने पर भी बैठे थे और हमारे संगठन के सभी पदाधिकारियों ने एसपी महोदय से वार्ता की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 3 दिन के अंदर इस मामले की जांच करा के अगर उसमें सीसीटीवी कैमरे की में कोई फुटेज ऐसी नहीं है तो मामले को एक्सपंज कर देंगे। इसके बाद उनके वकील साथियों ने धरना दिया, एसपी से बात की और मांग की कि 3 दिन के अंदर इस मामले की जांच करवाई जाए। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला ने कहा है कि एक व्यक्ति ने धमकी देने और बाहर भगाने की शिकायत की है, उसकी शिकायत को वेरीफाई किया जाएगा। एक व्यक्ति ने दरख्वास्त दिया कि मेरी गवाही मेरे भाई की थी, मैं गया था, अधिवक्ता का नाम लेकर उसने एप्लीकेशन दिया कि उन्होंने मुझे बाहर कर दिया, धमकाया, और उसकी शिकायत है, उसको दर्ज किया गया है और उसको वेरीफाई किया जाएगा। वकीलों का प्रतिनिधिमंडल मेरे पास आया था, मैंने उनको आश्वस्त किया है कि हम पूरी इंक्वायरी करेंगे, उनके पास जो साक्ष्य वो भी दे सकते हैं, अदरवाइज़ मेरी ड्यूटी बनती है, मैं पूरा साक्ष्य इकट्ठा करूँगा। अगर वो दोषी होंगे तो कार्रवाई होगी, निर्दोष होंगे तो कार्रवाई बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन अभी ये इसका इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, ये मैंने बताया है उनको। तो लोग सेटिस्फाइड थे, उनको भरोसा है पुलिस पे, इतनी अच्छी बात है कम से कम, तो हम इस भरोसे को कायम रखेंगे और निष्पक्षता से कार्रवाई करेंगे। सर, अभी जो अधिवक्ताओं का ये कहना है कि ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि हम आजम खान के अधिवक्ता हैं, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। आप मीडिया वाले हों, आप जाके खुले समाज में देखो कि गवाहों की क्या पोजीशन है, आदरणीय आजम खान की क्या पोजीशन है। आप इस शहर के बाशिंदा हो, आप उसे बेहतर जानते हो। मैं चाहता हूं कि निष्पक्षता से, मैं तो ये कहूंगा कि आप गोपनीय जानकारी करो ना, उनका लिस्टिंग करके देख लो, वो प्रायोजित हैं, मोटिवेटेड हैं, कहीं से लाभान्वित हो रहे हैं या उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, इसको आप खुद देख लो। और मेरा आग्रह है कि अगर जेन्युइन प्रॉब्लम हो तो सच्चाई जनता के सामने लाई जाए। तो पहले मोहम्मद आजम खान और अब उनके वकील पर गवाह को धमकाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। रामपुर से आमिर खान की रिपोर्ट, यूपी तक।